हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव दरवरे और मैं ICICI फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के सर्विसिंग के बारे में। तो स्प्लिट एसी सर्विसिंग के लिए हमें कौन से टूल्स लगते हैं वो पहले देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन प्लान, पिन कॉम, वायर ब्रश, उसके बाद केबल टायर, एक हमारे पास साफ कपड़ा होना चाहिए, एयर ब्लोअर, ऑयल कैन और हमारे पास कॉलिन रहना चाहिए। सबसे पहले सर्विसिंग करने के पहले हमें जो मशीन है उस मशीन को स्टार्ट करके देखना है, ताकि इस मशीन में कोई और समस्या तो नहीं है। तो इस मशीन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चेक करेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लोअर चालू हो चुका है और किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन या साउंड नहीं है। अभी हम लोग इस मशीन को ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट कवर बॉडी है, इस फ्रंट कवर बॉडी को जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एयर फिल्टर्स दिखेंगे। यह एयर फिल्टर्स रिटर्न एयर से आने वाले डस्ट को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इस फिल्टर के ऊपर काफी सारी डस्ट होती है। तो इस एयर फिल्टर को हम पानी या हवा की मदद से भी साफ कर सकते हैं, या इसे हम लोग कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो ब्लोअर है, इस ब्लोअर के यहाँ पे एयर गाइडर हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा। ये लॉक हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है और इस एयर गाइडर को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। यह एयर गाइडर हमारा निकल चुका है। अभी हमें यहाँ पे जो स्क्रू लगे हैं वो स्क्रू हम लोग पहले ही निकाल चुके, ताकि हमारा ये कैबिनेट बाहर आ सके। ये कैबिनेट अभी लॉकिंग सिस्टम से है, ये लॉकिंग सिस्टम हम लोग पहले खोल देते हैं इसके। ये देखिए, ये कवर हमारा पूरा बाहर आ चुका है और अभी हमारे पास ये हमारा इवोपरेटर कॉइल है। इस इवोपरेटर कॉइल के ऊपर भी डस्ट बहुत बार होता है, तो इस कॉइल को हमें रिटर्न, जैसे एयर हमारी यहां से जाती है तो हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से साफ करना है। तो इसके लिए हम लोग ब्लोअर का यूज करेंगे। तो ब्लोअर हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से देना है। यहाँ पे दिया हुआ ब्लोअर, ये देखिए यहाँ पे ब्लोअर भी है, ये ब्लोअर भी हमारा इसकी वजह से साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साफ कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप कम से कम 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर से पूरे डस्ट निकल जाए। साथ ही में यहाँ पे जो हमारा इवोपरेटर कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर जो डस्ट है उसे हम लोग ब्रश की मदद से निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, हल्का हल्का डस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इवोपरेटर कॉइल को साफ कर सकते हैं। अगर नमी के वजह से डस्ट तैयार होता है तो उसे हम लोग पानी की मदद से हल्का सा धो सकते हैं, जिसमें पानी का यूज आपको थोड़ा संभाल के करना है, ताकि ब्लोअर या मोटर के ऊपर ना जाए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेशन है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी को हम लोग किसी भी तरीके से पानी या कोई भी ब्रश यूज नहीं करते। यहाँ पे हम लोग जस्ट सिंपल एयर ब्लोअर का यूज कर सकते हैं। एयर ब्लोअर की मदद से हम लोग इसे हल्का सा करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग पीसीबी को भी सर्विसिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसे भी हमें साफ करना है, ताकि वहां पे हीट प्रॉपर तरीके से निकल जाए। आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरफ हम लोगों ने आउटडोर यूनिट को पहले ही डिसमेंटल करके रखा है, और यहाँ पे हमारा कंडेंसर कॉइल है। नॉर्मली हमारा एयर पीछे से सामने की तरफ आता है, तो फिल्टर कर साफ करते समय हमें वो अपोजिट डायरेक्शन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे और इसी के साथ साथ जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक किट और उसके पार्ट्स है उसे भी हमें हल्का सा एयर से साफ करना है। ये प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे ब्लोअर यूज करते समय संभाल के यूज करें, ताकि ये जो वायर है ये कोई भी वायर यहाँ से ना निकल जाए, प्रॉपर क्लिप होने चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा कंडेंसर फैन है
इस कंडेंसर फैन में लगे हुआ नट बोल्ट ये कभी कभी लूज होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये भी चेक करें ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई लूज कनेक्शन ना हो। और कुछ मोटर में यहाँ पे हमारे पास ऑयल या ग्रीस देने की चांसेस होते हैं, जिस मोटर में ऑयल या ग्रीस देने दे सकते उसी में हम लोग ऑयल और ग्रीस देंगे, नहीं तो हमें देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग सर्विसिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। साथ ही में साफ पूरा यूनिट लगाने से पहले यानी सर्विसिंग कंप्लीट करने के पहले हम लोग इस फिल्टर को अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर ज्यादा डस्ट है तो आप पानी से भी इसे साफ कर सकते हैं, और ये जो हमारा कवर है इसे भी हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर साफ करके लगाएंगे ताकि कस्टमर हमारे जो हाथ के निशान रहते वो वहां पे ना दिखे। ये हम लोग कैबिनेट वापस यहाँ पे लगा रहे हैं अभी। ये लॉकिंग सिस्टम हमें प्रॉपर तरीके से फिट करने हैं ताकि यूनिट का कवर हमारा नीचे ना गिरे। जो हमारे फिल्टर अभी साफ हो चुके हैं उन फिल्टर को हमें यहाँ पे लगाना है। ये हमारे फिल्टर्स यहाँ पे लग चुके हैं, और जो हमारा एयर गाइडर था वो एयर गाइडर भी हमें यहाँ पे लगाना है। इस एयर गाइडर का लॉकिंग सिस्टम भी हमें लगाना पड़ेगा। ये लॉक है हमारे पास, ये लॉक भी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये स्क्रू हमें फिट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा यूनिट अभी पूरी तरीके से तैयार है। अभी हम लोग इस यूनिट को वापस एक बार चालू करके देखेंगे कि हमारे यूनिट में कोई समस्या तो नहीं है। हम लोगों ने इस यूनिट को वापस से शुरू किया, हमारा यूनिट अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्प्लिट एसी को किस तरीके से सर्विसिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।